राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। वेलकम बैक। थर्ड और फोर्थ एफरिज्म को कंटिन्यू करते हैं। वही हमने 6 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज हम सातवें पॉइंट यानी कि नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज की तरफ बढ़ने वाले हैं, वो करने वाले हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे हम अपने थर्ड एफरिज्म के हर एक वीडियो में हमने किया है। सो थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर अब तो आपको मुंह जुबानी हो ही गया होगा कि नॉलेज और प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। और फोर्थ एफोरिज्म का वन लाइनर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो थर्ड एफोरिज्म में हेमंत सर ने मेंशन किए हैं। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ डिसीज, सेकेंड है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, थर्ड है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, फिफ्थ है नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन या फिर नॉलेज ऑफ फार्मेसी, सिक्स्थ है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात की थी, और सेवन्थ है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो सिक्स पॉइंट तक आई होप इन डीप हमने बिल्कुल अच्छे से 10 या 12 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 14 मिनट की वीडियो में, जिसमें पहले की 3-4 मिनट तो रिविजन ही चलता है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज अंडरस्टैंड किया है और फिर रिवाइज किया है नेक्स्ट वीडियो में। और वहीं मेथड से हम सेवन्थ और एट पॉइंट को भी करेंगे। सो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट से सिक्स पॉइंट का रिविजन करते हैं, लेकिन उससे पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। सो सेवन्थ इज नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, एट इज नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एंड द रिमूवल, एंड फोर्थ एफरिज्म इज अबाउट प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इसमें हेमंत सर ने एक्सप्लेन किया है अबाउट नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट कॉजेस डिसीज, एंड थर्ड इज नॉलेज ऑफ हाउ टू रिमूव दिस थिंग्स फ्रॉम द पर्सन विच कॉजेस डिसीज। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द फोर्थ एफोरिज्म, क्योंकि अब दो ही पॉइंट्स बाकी है थर्ड एफोरिज्म के। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो में, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहले रिवाइजिंग अवर सिक्स्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी। द डोज इज द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन रिक्वायर्ड टू क्योर द पेशेंट, यानी कि डोज है वो ऐसा अमाउंट है मेडिसिन का जो रिक्वायर्ड होता है पेशेंट को क्योर करने के लिए। बट इन होम्योपैथी द मेडिसिन आर डायनामाइज्ड, हियर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वान्टिटी। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन है वो डायनामाइज्ड फॉर्म में होती है, उसको डायनामाइज किया जाता है क्योंकि होम्योपैथी में क्वालिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है क्वान्टिटी ऑफ द मेडिसिन से। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिमम डोज इज मैंडेटरी इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में इंपॉर्टेंट क्या है, ज़रूरी क्या है, मिनिमम डोज का एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों मिनिमम डोज का एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है और मिनिमम डोज सबसे पहले है क्या? सो द मिनिमम डोज इज द वन विच कैन ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स। क्योंकि मिनिमम डोज वो डोज होता है जो पेशेंट के वाइटल फोर्स में कुछ क्यूरेटिव रिएक्शन लाने के कैपेबल हो। वो डिफरेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग उसका मिनिमम डोज डिफरेंट हो सकता है। सो द मिनिमम डोज इज द वन विच कैन ब्रिंग अबाउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स। द नॉलेज ऑफ डोज कैन बी अक्वायर्ड बाय स्टडिंग द पॉसोलॉजी। डोज के बारे में हमें नॉलेज है वो अक्वायर कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडिंग द पॉसोलॉजी। After choosing the exact remedy, it is important to select the right dose to the patient because the same medicine in different potency and quantity produces different effects. हम जब एग्जैक्ट रेमेडी को, मोस्ट से मिनिमम रेमेडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा, वो होता है टू सिलेक्ट द राइट डोज फॉर द पेशेंट, बिकॉज कुछ वही मेडिसिन है वो डिफरेंट पोटेंसीज में डिफरेंट क्वान्टिटी में डिफरेंट इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए राइट डोज को सिलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। बिसाइड लार्ज डोजेस विल कॉजेस अननेसेसरी सफरिंग एंड टू स्मॉल डोजेस कैन बी इनइफेक्टिव। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लार्ज डोजेस है वो अननेसेसरी सफरिंग्स कोज कर दे पेशेंट में, उसकी सफरिंग्स को बढ़ा दे या फिर सफरिंग्स को इनक्रीज कर दे अननेसेसरी सफरिंग्स को। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटा डोज अगर हम कंसिडर करें तो वो इनइफेक्टिव हो, कुछ इफेक्ट ही प्रोड्यूस ना करे, इसीलिए प्रॉपर डोज को सिलेक्ट करना, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है।
Hence, proper dose is to be applied. According to the Stroud clause, the following are some factors which guide us in selecting the choice of remedy or dose. कुछ फैक्टर्स है जो हमें गाइड करते हैं वाइल सिलेक्टिंग वाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ द रेमेडी एंड द डोज. पहली चीज क्या है उसमें, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट. ससेप्टिबिलिटी हमें हमेशा पेशेंट की चेक करनी है. फिर चेक करना है सीट ऑफ द डिसीज, यानी डिसीज कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी सीट क्या है, मेन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है उस पर. उसके बाद हमें देखना है थर्ड पॉइंट में द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज का कैसा नेचर है वो और कौन सी इंटेंसिटी में वो बढ़ रहा है या फिर स्प्रेड हो रहा है. फोर्थ है द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, और प्रीवियसली पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट ली है, नहीं ही ली है तो कैसी ट्रीटमेंट उसने ली है उस डिसीज के लिए. ऑल दिस पॉइंट्स एंड सम मोर पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल मेकिंग अ चॉइस फॉर द रेमेडी एंड वाइल मेकिंग अ चॉइस फॉर द डोज. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, वाइल वी विल हैव दिस फॉलोइंग नॉलेज. सो कहाँ द नॉलेज कैन बी डिराइव फ्रॉम, फर्स्ट नॉलेज ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसॉफी, सेकंड नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका एंड थर्ड इज नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी. सो यहाँ पर बात खत्म होती है सिक्स पॉइंट की. अब चालू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को जो कि है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज. सो सेवेंथ इज नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज. डिस्कस करते हैं इसके सारे पॉइंट्स और समझते हैं कि ये पॉइंट में हमें क्या चीज़ें समझनी है और क्या याद रखना है. So first is how and when to administer the remedy to the patient is an important as selecting the proper remedy. यानी कि how मतलब कैसे, when मतलब कब हमें किसी भी remedy को patient को administer करना है, ये उतना ही important है जितना selecting proper remedy हमारे लिए important है. यानी कि remedy select करने के साथ साथ उस patient को उसे कब देना है, कैसे देना है, ये चीज़ें भी important है. सिर्फ remedy select करने से patient cure नहीं हो जाएगा, बहुत सारे साइमल्टेनियस फैक्टर्स है जिसका हमें ध्यान रखना है, और यही चीज़ें हमें थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में दिखाई गई है, सिखाई गई है. सो हाउ एंड व्हेन टू एडमिनिस्टर द रेमेडी टू द पेशेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एज सिलेक्टिंग द प्रॉपर रेमेडी. ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी किसी भी प्रॉपर रेमेडी को सिलेक्ट करने का इंपॉर्टेंस है उतना. द रिपीटेशन ऑफ द डोज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, अब रिपीटेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, द रिपीटेशन ऑफ द डोज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, किसी भी डोज का रिपीटेशन डिपेंड्स करता है अपॉन फर्स्ट द नेचर ऑफ द डिसीज, यानी कि उस पर्टिकुलर डिसीज का नेचर क्या है, एक्यूट है, शॉर्ट इंटरवल से है या फिर क्रॉनिक है, लॉन्ग इंटरवल से है. नेचर ऑफ द डिसीज से हमारा मतलब ये है, एक्यूट, क्रॉनिक वगैरह वगैरह. फिर सेकेंड है द नेचर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का नेचर कैसा है, वो शॉर्ट एक्टिंग है या फिर लॉन्ग एक्टिंग है या फिर सुपरफिशियल है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं. सबसे पहला नेचर ऑफ द डिसीज, दूसरा है नेचर ऑफ द मेडिसिन. अब थर्ड पॉइंट इज द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी, और फिर वो मेडिसिन को अगर हमने किसी पर्टिकुलर डोज में पेशेंट को दिया है तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन की तरफ उस पेशेंट का क्या रिएक्शन है वो भी डिपेंड करता है, द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी. नाउ अब ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ द डिसीज से हमें ये पता चलता है. ये हम फर्स्ट पॉइंट में देखते, देखो इन द एक्यूट केसेस द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वेयर एज इन क्रॉनिक डिसीज द रिपीटेशन कैन नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली बट बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड बेस्ड ऑन द रिएक्शन शोन बाय द पेशेंट द रिपीटेशन शोन बाय द पेशेंट द रिपीटेशन कैन बी डन. यानी कि किसी भी डोज को या फिर किसी भी मेडिसिन को हम कैसे रिपीट करें, ये हमें नेचर ऑफ द डिसीज से कैसे डिसाइड करना है. जैसे कि कोई भी एक्यूट डिसीज है तो हम उसमें फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक केसेस है तो हम उसमें कम रिपीटेशंस करेंगे और केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और फिर रिएक्शन के बेस पर हम जो भी पेशेंट रिएक्शन दे रहा है उसके बेस पर हम फिर से डोज को रिपीट करेंगे. सो ये बात हुई क्रॉनिक और एक्यूट केस पर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि रिपीट करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह. फिर दूसरा पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मेडिसिन, इसको एक्सप्लेन किया गया है इस सेकंड पॉइंट में. द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल, द डीप एक्टिंग मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली, दे मस्ट बी लेफ्ट टू कंप्लीट द एक्शन फुली. जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है उसको हम फ्रीक्वेंट इंटरवल में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है उसको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उसकी एक्शन
कंप्लीट करने में, फुली उसकी एक्शन को कंप्लीट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो डीप एक्टिंग रेमेडीज है, वो अंदर तक काम करेगी। तो जब तक वो उसका फुली एक्शन है वो कंप्लीट नहीं कर सकती कर देती, तब तक हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। सो द डीप एक्टिंग मेडिसिन शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट नहीं करना है। दे मस्ट बी लेफ्ट, उसको छोड़ देना है जब तक कि वो अपनी एक्शन को फुली कंप्लीट ना कर दे। एंड द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। फिर हमारा थर्ड पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स रिएक्शन, ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। एज सून एज द पेशेंट शोज द साइंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे ही पेशेंट साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट शो करे, एनी फर्दर रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी हैज टू बी स्टॉप्ड और ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। कोई भी फर्दर रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन या तो हमें स्टॉप कर देना है या तो ग्रेजुअली रिड्यूस कर देना है, यानी धीरे धीरे। पहले आप दिन में 3 बार देते थे तो अभी 2 बार कर दीजिए, फिर 1 बार और फिर स्टॉप, या फिर अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है तो दिन में 1 बार कर दीजिए और फिर स्टॉप, या फिर डायरेक्टली भी स्टॉप कर सकते हैं, यानी स्टॉप या फिर ग्रेजुअल आप रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अबाउट द पेशेंट रिएक्शन एंड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो एज सून एज द पेशेंट शोज द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, एनी फर्दर रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी हैज टू बी स्टॉप्ड और ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। देर आर सम फंडामेंटल्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ रेमेडीज, और ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे कुछ फंडामेंटल्स और भी हैं जो रिपीटेशन ऑफ द रेमेडीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें जाननी चाहिए और ये चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम रिपीटेशन करेंगे किसी भी मेडिसिन के डोज का। सो यहाँ पर हमारा सेवेंथ पॉइंट नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ द डोज कम्प्लीट होता है। और एट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द थर्ड एफोरिज्म जो कि है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू बी क्योर एंड द रिमूवल, वी विल कवर दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। रिविजन करते रहना, कोई भी डाउट है कुछ भी है कॉमेंट सेक्शन में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।